आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैंने बनाया है ये सुंदर सा प्यारा सा डोरमेट, बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे वाले डोरमेट को बड़ा कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 फंदे डालेंगे, यानी 6 फंदे डालेंगे सबसे पहले, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 6 फंदों से ही हम अपनी पत्तियां बनाएंगे। तो 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 फंदे जर गए, यानी 6 फंदे जर गए। तो अब हम इन्हें बनाएंगे। तो पहले हम कोई फंदा बढ़ाएंगे नहीं, कोई फंदा घटाएंगे नहीं, इस तरीके से 6 फंदों को पहले बनाएंगे। देखिए मैंने ये 6 फंदे बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस तरीके से एक फंदा बढ़ाएंगे। एक फंदा मैंने बढ़ा लिया है और बाकी बनाते जाएंगे। अब क्या करेंगे, इस वाले फंदे को हम ऐसे लेंगे सीधा ऐसे, तो यहाँ पे हमारा एक और फंदा बढ़ जाएगा। तो इस वाले फंदे को हम उतारेंगे ऐसे, और जो हमने बढ़ाया था उसे हम बना लेंगे इस तरीके से। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8, यानी एक सिलाई में मैंने 2 फंदे बढ़ाए हैं, एक इधर की साइड और एक इधर की साइड, दोनों तरफ मैंने 2 फंदे बढ़ा लिए। फिर से शुरुआत करेंगे तो फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से। मैं आपको साड़ी से बनाकर दिखा रही हूँ। अगर आपका डोरमैट ऊन का है या मैक्रम का है तो आप उससे भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए अब ये लास्ट फंदा है, तो इसे हम ऐसे और सीधा ले लेंगे इस तरीके से ऐसे। तो ये मेरे इधर की साइड में फंदा बढ़ रहा है, तो पहला फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा जो बढ़ाया था उसे हम बना लेंगे। तो इसमें मैंने 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अभी 4 यानी देखिए, तो अभी हमें 4 फंदे और बढ़ाने हैं, 2 इधर की साइड में, 2 इधर की साइड में। फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है, जो बढ़ाया था फंदा उसे भी बना लेंगे। देखिए मैंने 1, 2, 3, 4 4 लाइन में मैंने 8 फंदे बढ़ाए हैं, 4 इधर की साइड से, 4 इधर की साइड से। तो अब क्या करेंगे, इधर की साइड से हम डबल फंदा लेंगे, जैसे एक एक करके बढ़ाए थे वैसे ही एक एक करके 4 फंदे हम गठा देंगे। तो देखिए ये डबल फंदा लिया, 1 और 2 और बना देंगे। तो एक फंदा कम हो गया, इधर की साइड से हम कोई फंदा कम नहीं करेंगे। और जैसे हम फंदे बढ़ा रहे थे उसी तरीके से फंदे बढ़ाते जाएंगे। देखिए ऐसे इस वाले फंदे को, सिलाई को इस तरीके से डालेंगे और एक फंदा साथ ही साथ बढ़ जाता है। अब यहाँ से फिर से इस वाले फंदे को उतारेंगे, दूसरा वाला फंदा बनाते जाएंगे। तो मैं 3 फंदे और गठा कर बताती हूँ आपको। इस तरीके से यहाँ से 3 फंदे गठाऊंगी, यहाँ से बढ़ाती जाऊंगी। एक बार मैं आपको फिर से फंदा गठा कर बता रही हूँ। देखिए डबल फंदे लेंगे और बना देंगे। तो ये मैंने 4 फंदे गठा दिए हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हो गए।
इसमें यहाँ पे 8 फंदे बढ़ गए और यहाँ पे मैंने 4 फंदे बढ़ाए हैं, 4 फंदे घटाए हैं, तो एक यानी दूसरा कलर लगाएंगे। तो यहाँ से अब हम इस फंदे को उतारते थे तो अब इसे हम बनाएंगे, क्योंकि हम कलर लगा रहे हैं ना, इसलिए फिर से कलर लगाकर हम जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। इस वाले कलर को हम यहीं पे छोड़ देंगे। ये मैं कलर चेंज करके भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये हमारी एक कली बन गई, अब ये दूसरी कली बन रही है। तो यहाँ से क्या करेंगे, इस तरीके से फंदे बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे वैसे ही। तो पहले सिलाई में अंटा लगाएंगे और फंदा बढ़ा देंगे। तो इसी तरीके से अब हम बाकी यानी दो कलर लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, ताकि मुझे पता चलना चाहिए आपको मेरी ये न्यू वीडियो कैसी लगी। तो इस वाले फंदे को जैसे बनाते थे वैसे ही बनाएंगे फंदा बढ़ाते हुए। तो थोड़ा सा मैं आपको बनाकर दिखाती हूँ इसी तरीके से। अब इससे ज़्यादा बड़ा मैं नहीं बनाऊंगी। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से मैंने 1 2 3 4 फंदे यहाँ से बढ़ा लिए हैं और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही बनाया है। तो अब क्या करेंगे, इससे बड़ा नहीं बना रहे हैं तो हम पहला फंदा उतारेंगे जैसे हम उतारते थे वैसे ही, और 1 2 फंदे यहाँ से एक साथ बना देंगे इस तरीके से। पहला फंदा उतारेंगे और दूसरे फंदे से बना देंगे यहाँ पे, जैसे हमने बढ़ाए थे एक एक करके वैसे ही अब घटाएंगे यहाँ से। अब बनाते जाएंगे अगर आप इससे भी बड़ी पत्तियां बनाना चाहती हैं तो थोड़े से फंदे और बढ़ा लें दोनों तरफ से। और मैं इससे ज्यादा नहीं बना रही हूं। यहाँ पे मैंने एक एक करके 4 फंदे बढ़ाए थे, उन्हें हम अब एक एक करके देखिए डबल फंदा लेंगे 1 और 2। तो दोनों तरफ से अब हम 4 फंदे गठाने हैं। एक फंदा मैंने यहाँ पे गठा दिया और एक फंदा मैंने यहाँ पे गठा दिया। दोनों साइडों से मैंने फंदे गठा दिए हैं एक एक करके। अब क्या करेंगे, अब जैसे हम फंदे बढ़ाते थे वो नहीं बढ़ाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये वाली डिजाइन बन जाती है। अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखकर बनाएंगे तो आसान तरीके से आप भी बनाना सीख जाएंगे। सभी को बनाएंगे, अब सीधा फंदा नहीं लेंगे, सादा बनाएंगे, पहला फंदा उतारेंगे, फिर से डबल फंदा लेंगे और फिर से कम कर देंगे। तो यानी इस वाले कलर को बनाकर पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं दूसरा कलर लगा रही हूँ इसलिए इसे बना रही हूँ, नहीं बाकी सभी फंदों की तरह इसे भी मैं उतारती। और ये डबल फंदा लेंगे और बना देंगे।
इसे यहीं पे छोड़ेंगे, इसे हम साथ ही ले जाएंगे। अब क्या करेंगे, अब ये हमारे चार फंदे कम हो गए, तो अब हम फिर से चार फंदे बढ़ाएंगे इधर की साइड से। जैसे डिजाइन आ रही है कमूरे वाली यानी पत्ती वाली, वैसे ही बनाएंगे, तो एक फंदा फिर से बढ़ाएंगे। तो ऐसे ही चार फंदे बढ़ाते जाएंगे और इधर की साइड में हम चार फंदे इसके साथ ही गठाएंगे यानी बढ़ाएंगे नहीं। इधर की साइड से तो हम अब फंदे सारे गठाते जाएंगे एक एक करके, यानी प्रॉपर इधर की साइड से हमने बढ़ाए थे, अब प्रॉपर इधर की साइड से गठाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाती हूँ। इधर की साइड में अगर धागा खत्म हो जाता है तो इस तरीके से बिना नॉट लगाए हम धागे को लगा लेते हैं। एक फंदा उतारेंगे और दो फंदे एक साथ बना देंगे ऐसे, और इधर की साइड से हम जैसे ये पत्ती आ रही है उसी तरीके से बनेगा। तो थोड़ा सा बनाकर मैं आपको दिखाती। तो देखिए मैंने ये सभी फंदों को एक साइड जैसे बनाया है, देखो कितनी सुंदर बनावट आई है इस पत्ती की। अब मैंने इसमें छह फंदे रहने दिए हैं, तो अब क्या करेंगे, बाकी छह फंदे हम उतार देंगे। इस तरीके से डबल फंदा लेंगे बना देंगे, और फिर से डबल लेंगे बना देंगे, फिर से डबल लेंगे बना देंगे। इसी तरीके से हमने ये अपनी कली बनाकर कंप्लीट कर लिए। तो अब धागे को कट कर देंगे। एक हमें इस तरीके से कलियां बनानी है और एक दूसरी तरह से कलियां बनानी है, तो मैं आपको बताती हूँ क्या कैसे कैसे बनानी है। तो अब हम एक फंदे की इस तरीके से एक फंदा नॉट लगाकर सिर्फ अपने फंदे बढ़ाएंगे और इस तरीके से हर फंदे पे यानी बनाएंगे, हर रो को एक फंदा बढ़ाएंगे। देखो फिर से हम एक रो बढ़ा रहे हैं, देखो लगा रहे हैं तो फिर एक फंदा बढ़ा रहे हैं। इस तरीके से मैंने इसमें देखो चार फंदे बना लिए। तो इसी तरीके से हम बाकी कुछ फंदे और बढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो मैंने इसमें 30 फंदे बढ़ाए हैं, अब क्या करेंगे, इन्हें हम एक साथ गठाएंगे इस तरीके से, डबल फंदे लेते जाएंगे और गठाते जाएंगे ऐसे। तो सभी फंदों को हम इसी तरीके से गठा लेंगे, जैसे मैंने आपको गठा कर दिखाया है उसी तरीके से सभी फंदों को गठा लेते हैं पहले। तो ये फिर से मैंने डबल फंदे लिए, सारे फंदे मैंने इसी तरीके से गठा दिए हैं। धागे को कट कर देती हूँ। तो ये मेरी दूसरी कली बनके तैयार है। तो इसी तरीके से हम अपने डोरमैट के नाप की कलियां पहले बना लेते हैं, 7 या 6 6 या 7 7 दोनों की, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरा डोरमैट है, इसे मैं थोड़ा बड़ा करूंगी। तो पहले इस तरीके से हम अपनी कलियों को लगाएंगे, फिर इस वाली को लगाएंगे ऐसे, सिलाई होगी इसकी, फिर इस वाली को लगाएंगे ऐसे,
चारों तरफ ऐसे ही लगाकर दिखा रही हूँ मैं आपको, देखिए। तो इस तरीके से हम अपने इन पत्तियों को, कलियों को लगा लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे सिलाई होगी इसकी। इसी तरीके से लगाकर सिलना है बस, तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ इस तरीके से। मेरा डोरमैट पूरी तरह से तैयार है, तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।